المرسلين صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم سبحان الله جزاك الله أنت أسأل दिल में सरवर को बसाओगे तो जन्नत पाओगे, दिल में सरवर को बसाओगे तो जन्नत पाओगे, बंदगी दिल से निभाओगे तो जन्नत पाओगे, बंदगी दिल से निभाओगे तो जन्नत पाओगे, खुल गया बागे जिना माहे मुहर्रम के तुफैल, खुल गया बागे जिना माहे मुहर्रम के तुफैल, दर सरे शह पर झुकाओगे तो जन्नत पाओगे, दर सरे शह पर झुकाओगे तो जन्नत पाओगे, सैयदा को शाहिदी का पुरसा देने के लिए, सैयदा को शाहिदी का पुरसा देने के लिए, फर्श मजलिस का बिछाओगे तो जन्नत पाओगे, फर्श मजलिस का बिछाओगे तो जन्नत पाओगे, क्या है मफहूमे रिसालत क्यों हुई है करबला, क्या है मफहूमे रिसालत क्यों हुई है करबला, तुम अगर ये जान जाओगे तो जन्नत पाओगे, तुम अगर ये जान जाओगे तो जन्नत पाओगे, मरने वाले से लहद में कहते हैं मुनकिर नकीर, मरने वाले से लहद में कहते हैं मुनकिर नकीर, मरसिया शह का सुनाओगे तो जन्नत पाओगे, मरसिया शह का सुनाओगे तो जन्नत पाओगे, किस तरह हासिल हो जन्नत पूछा तो बोले रसूल, किस तरह हासिल हो जन्नत पूछा तो बोले रसूल, शह पे आंसू को बहाओगे तो जन्नत पाओगे, शह पे आंसू को बहाओगे तो जन्नत पाओगे, हुर ने दुश्मन से कहा तुम फकरे इस्माइल पर, हुर ने दुश्मन से कहा तुम फकरे इस्माइल पर, अपनी हस्ती को मिटाओगे तो जन्नत पाओगे, अपनी हस्ती को मिटाओगे तो जन्नत पाओगे, खून में खून में अपने नहा कर दे गए फतवा हमें, खून में अपने नहा कर दे गए फतवा हमें, राह हक में खून बहाओगे तो जन्नत पाओगे, राह हक में खून बहाओगे तो जन्नत पाओगे, बांटेंगे मिसले तबर्रुक जन्नतो कौसर अली, बांटेंगे मिसले तबर्रुक जन्नतो कौसर अली, मजलिसे शह में जो आओगे तो जन्नत पाओगे, मजलिसे शह में जो आओगे तो जन्नत पाओगे, सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद, رحم الله من قرأ الفاتحة المولى ونعم النصير أعوذ
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يفره المنر والجمود ولا يبديه الإعطاء والجود إذ كل معط منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلاه هو المنان بفوائد النعم وعوائد المزيد والقسم ومن أرزاقهم وقدر أقواتهم والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتحي سيدنا ومولانا ومقتدانا وهادينا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل سلام على آل طه وياسين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه محترم علماء کرام طلاب عزیز قرآن مجید کی یہ بہت ہی مشہور آیت سورہ احزاب کی 23 نمبر کی آیت جس میں اس بات کا اعلان ہے کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه مومنین میں کچھ مرد میدان ایسے بھی ہیں کچھ مرد ایسے بھی ہیں کہ اپنے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کے اوپر گامزن رہے اور اسے انتہا تک پہنچایا فمنہم من قضا نحبہ انہی مردان غیرت مند اور مردان مومن میں کچھ افراد ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس وعدے کو آخری منزل تک پہنچایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرْ اور کچھ وہ ہیں کہ جو اس دن اور اس وقت کے انتظار میں ہیں کہ حکم پروردگار ہو وہ موقع فراہم ہو اور وہ اپنے اس وعدے کو پورا کریں وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا ان کے اس عہد و پیمان میں کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوتا بغیر کسی تمہید کے یہ ایام عزا محرم الحرام سن 1442 ہجری کا آغاز ہو چکا ہے مجالس کا سلسلہ قائم ہے پیغام کربلا اور پیغام حسینی آج ہر عزا خانے اور ہر ممبر سے اہل عالم تک پہنچایا جا رہا ہے بے شک جو بات یہاں قابل غور ہے وہ یہ کہ ایک شعر بہت مشہور ہے جسے ہم اور آپ ہمیشہ پڑھتے رہتے ہیں اور تغرے بنا بنا کے آویزہ کیے جاتے ہیں جناب جوش ملی آبادی کا وہ شعر
कि जिसमें आपने इनकलाब करबला के ऊपर जब नजर की और सहराए करबला को देखा और आलम इंसानियत में होने वाले और पैदा होने वाले इनकलाबात पर जब नजर डाली तो उन्होंने यही नतीजा निकाला कि दुनिया में जितने भी मुस्बत इनकलाबात हैं उन सब की बुनियाद है करबला का मैदान। लिहाजा उन्होंने ये शेर कहा कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं। इसमें कोई शक नहीं है लारैब कि हुसैन और हुसैनियत और लब्बैक या हुसैन की आवाज उसी गले से निकलेगी जो हुर्रियत पसंद होगा। वही इंसान हुसैन को आवाज देगा और उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करेगा जो बेदार होगा। वही कौम और वही इंसान कहेगा और कहेगी, वही कौम आवाज देगी कि हमारे यहां हुसैन जो बेदार होगी। यानी या हुसैन कहने की शर्त अव्वली यह है कि इंसान के अंदर बेदारी का जज्बा हो। सुभान अल्लाह। लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ा सवाल है कि जो हम बिलखसूस अपने जवानों और नौजवानों को मुतवज्जे करना चाहते हैं वो ये कि शेर में कोई शक नहीं है, बिल्कुल हकीकत है कि इंसान जब बेदार होगा, जब कौमें बेदार होंगी तो कहेंगी कि हमारे हैं हुसैन, इसलिए कि हुसैन की जात और हुसैनियत किसी एक मजहब, किसी एक मुल्क, किसी एक मकतब, किसी एक फिर्क से फिरके में महसूर और महदूद नहीं है। जात हुसैन शख्सियत और हुसैनियत एक आफाकी शख्सियत का नाम है, एक हमागीर शख्सियत का नाम है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो है यहां पर वो ये कि क्या हम इंतजार करते रह जाएं और मायूस होकर के बैठ जाएं, या कब तक हम इंतजार करें कि इंसान बेदार हो जाए। आया इंसान को बेदार होने के लिए हमें इंतजार करना होगा या इंसान को बेदार करना भी हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम इस इंतजार में बैठ जाएं हाथ पे हाथ रख के कि एक दिन आएगा कि जब कौमें बेदार होगी, जब इंसान बेदार होगा और उस वक्त कहेगा कि लब्बैक या हुसैन, हुसैन हमारे हैं, तो वो दिन कब आएगा, हम कब से इंतजार कर रहे हैं। इंतजार में बैठ जाना ये कमाल नहीं है बल्कि जज्बे हुसैनियत ये कहता है, इनकलाब करबला ये आवाज देता है कि तुम उठो, इंसान को बेदार करो ताकि इंसान कहे कि हुसैन हमारे हैं। सलावत पढ़े और मोहम्मद बवाज़े बुलंद नारे सलावात। कोई शक नहीं है कि शायर मोहतरम ने बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन हम इस इंतजार में रह जाए, कोई तो सबब होना चाहिए, कोई तो आगे बढ़े, कोई तो आमिल होना चाहिए, कोई तो पेश कदम हो, कदम अव्वल उठाए इंसानियत को बेदार करने के लिए। इसलिए कि अगर हम हुसैनी हैं और नक्शे कदम हुसैन इब्ने अली पर चलना चाहते हैं और करबला वालों को अपना नमूना और उसवा बनाया है, तो यह नतीजा बिल्कुल हमारे सामने है कि अगर कल सरकार सैयदुश्शहदा ने, अगर हुसैन के जानिसारों ने अगर इस इंतजार में अपना वक्त जाया कर दिया होता कि कौम बेदार हो जाएगी, तो न वाकया करबला होता, न कौम बेदार होती, न इंसानियत के अंदर बेदारी का जज्बा जागता, न आप किसी के हलक से और किसी के सीने से किसी की जबान पर हक जोई और हक तलबी की आवाज बुलंद होती। वो करबला, वो इस्लाम, वो दीन, वो हकानियत, वो सदाकत करबला में दफन हो गई होती, दरबार वलीद में यह आवाज घुट गई होती। हुसैन ने इंतजार नहीं किया, सोई हुई इंसानियत को जगाया है। सलावात पढ़े पर मोहम्मद। हुसैन ने इकदाम किया है,
जगाया है, सुभान अल्लाह, भुगती हुई नब्ज पर और रग पर हाथ रखा है हुसैन ने, ऐसे लम्हे में ऐसे माहौल में कि जब भला साहबान इल्म है बेहतर जानते हैं कि अगर हम यजीद और यजीद के बाप का वो जो दौर था दौरे हुकूमत अगर उस पर हम थोड़ी सी नजर डालें तो एक तरफ हम अपने कौम यानी शीयत के एतबार से अपने मजहब के एतबार से अपने अकायद के एतबार से अपने दीन की बुनियादों के एतबार से अपने अकदार और अर्जिश के एतबार से कि हम कुरान को मानते हैं, हम तौहीद को मानते हैं, हम रिसालत को मानते हैं, हम इमामत को मानते हैं, माहद को मानते हैं, जहां एक तरफ खुद यजीद और यजीद का बाप जहां उसने इस्लाम की बुनियादों को काटना शुरू किया था और इनकार करना शुरू किया था, उसी के साथ साथ अकदारे इंसानी को पामाल कर रहा था, असलन इंसानियत को पामाल किया जा रहा था। वरना मैं एक जुमला कभी कहा था मजलिस में कि अगर यजीद के सिर्फ एक उस जुमले के ऊपर हम गौर करें तो उसने जब तख्त सल्तनत पर कदम रखा और हाकिम बना शाम में तो उसने जो शेर पढ़ा और जो ऐलान किया कि काश के हमारे, अलबत्ता ये वाक़े करबला के बाद जब असीर पहुंचे हैं शाम में तब उसने ये बात कही थी, काश के हमारे अजदाद जो बद्र में थे अगर वो आज जिंदा होते तो वो देखते कि हमने किस तरीके से उनके खून का बदला ले लिया है। लेकिन इब्तिदा में उसने क्या कहा कि कद लाइबत बनु हाशिम बिल मुल्क मा जा खबर वला वहय नज़ल। ये एक खुद यजीद का जुमला है, यजीद के दादा का जुमला, बहुत तवज्जो चाहूंगा मैं, यजीद के दादा अबू सुफियान का जुमला मदीने में कि जब उस्मान इब्न अफान को खिलाफत मिली उस दिन उसने यही जुमला दोहराया था। ये फतेह मक्का के बहुत बाद का वाकया है, फतेह मक्का के 30-35 साल के बाद का वाकया है। जाहिरी एतबार से मौरखीन ये कहते हैं कि अबू सुफियान इस्लाम ला चुका था लेकिन कम से कम 20-25 साल के बाद का वाकया है। और उसके बाद जब वो दरबार में पहुंचा तो क्या कहा कि भारत में मौजूद है मौरखीन की किताबों में कि उसने कहा था कि ऐ मेरे लाल ये खिलाफत बड़ी मुश्किल से हमारे दहलीज तक आई है, अदरहा कल कोरा, इसको गेंद के तरीके से उछालते रहो महवर बनी उमैया रहे, और इतना याद रखना न कोई दीन है न कोई कुरान है न कोई तौहीद है न कोई रिसालत है न कोई इस्लाम है। उसी चीज को यजीद ने दोहराया था अपने दौरे सल्तनत में, लेकिन ताज्जुब मुअर्रखीन पर नहीं है, ताज्जुब इस बात के ऊपर है, बहुत कीमती जो मैं बात कहना चाहता हूं अपने जवानों के लिए कि बेदारी हो तो कैसी हो, ताज्जुब इस बात के ऊपर है कि इतने बड़े दमिश्क में इतने बड़े आलमे इस्लाम में यजीद को लोग अमीरुल मोमिनीन कह रहे हैं, खलीफे रसूल कह रहे हैं, जानशीन पैगंबर कह रहे हैं, हाकि ओ यजीद तू क्या कर रहा है, जिस शाख पर बैठा है उसी को काट रहा है। अगर पूरे आलम इस्लाम में कोई मर्द मैदान था तो वो हुसैन इब्ने अली थे, अगर कोई था तो वो हुसैन इब्ने अली थे। अगर मौला की हम उन अकवाल पर नजर करें, बस आखिरी फकरा, तो इमाम ने मैदान करबला में अपने शियों को मुखातब किया, अपने चाहने वालों को मुखातब किया, उनके लिए बहुत सारे उनके आपके दस्तूरात और फरामीन और वसाया हैं कयामत तक के लिए, लेकिन इमाम का जो पैगाम है वो उसके दो सू हैं, दो जिहत हैं। एक वो है कि जो अपने खास चाहने वालों के लिए हैं कयामत तक, शियों के लिए हैं, सुभान अल्लाह,
एक वो है कि जो आलम इंसानियत के लिए है, आम बशरियत के लिए है। वरना ये जुमला जो आपका है, या शिया का आला बी सुफियान इन लम यकुन लकुम दीनुन फकूनू अहरारन फी दुनियाकुम, क्यों? इसलिए कि मौला देख रहे थे और जान रहे थे कि जो सामने जो लश्कर है 30,000 का, ये किस तरीके से आए हैं, इनको कैसे घेर के लाया गया है, कैसे ये भीड़ इकट्ठा की गई है, किस अंदाज से इन लोगों को बेवकूफ बनाया गया है, किस धोखे में रख के हमारे खिलाफ इनको उकसाया गया है, इमाम जानते थे सब कुछ। इसीलिए आपने जो ऐलान किया, या शियात आल अबी सुफियान, ए अबू सुफियान की आल और औलाद के मानने वालों, इन लम यकुन लकुम दीनुन, अगर तुम्हारे पास दीन नहीं है, तुम बेदीन हो, और बेदीन थे भाई, ऐसे दीन का क्या फायदा है, इनको क्या दीनदार कहा जाएगा कि जो हुज्जत खुदा के मुकाबले में कयाम करें हक को वाजे हो जाने के बावजूद भी। अगर तुम्हारे पास दीन नहीं है, फकूनू अहरारन फी दुनिया को, तो कम से कम अपनी दुनिया में आजाद बन के तो रहो, किसी के गुलाम बन के ना रहो। अगर हम इस जुमले पर गौर करें तो इमाम ने यह नहीं कहा कि तुम यजीद का साथ छोड़ दो, हमारे साथ आ जाओ। इमाम ने खुली छूट दे दी है, एक फिक्र का एक मैदान साफ कर दिया है कि तुम अपने जहन पर जोर डालो और सोचो कि आया इस वक्त तुम गुलाम हो या आजाद हो। दोनों तरफ के लश्कर का अगर हम मुकाबला और मुकायसा करें तो बात बिल्कुल वाज़ह है। एक तरफ सिर्फ 72 हैं, हुसैन चिराग बुझा के कह रहे हैं जिसको जाना हो चला जाए, दूसरी तरफ यजीद के पहरादार चारों तरफ लगे हैं कि उस 30,000 में से कोई छोड़ के जाने न पाए। एक तरफ आजादी ही आजादी है, एक तरफ गुलामी ही गुलामी है। हुसैन ने क्या कहा कि अगर तुम दीन नहीं रखते तो कम से कम अपनी दुनिया में आजाद बन के रहो। क्यों? इसलिए कि अगर तुम आजाद रहोगे, गुलामी का तौक अपने गले से उतार दोगे, तुम्हारा जिस्म आजाद होगा तो तुम्हारा कल्ब आजाद होगा। जब तुम्हारा कल्ब आजाद होगा तो तुम्हारी रूह आजाद होगी, जब तुम्हारी रूह आजाद होगी तो तुम्हारा नफ्स आजाद होगा, जब तुम्हारा नफ्स आजाद होगा तो तुम्हारा जहन आजाद होगा, जब तुम्हारा जहन आजाद होगा तो तुम्हारी फिक्र आजाद होगी, जब तुम्हारी फिक्र आजाद होगी तो तुम्हारी जबान आजाद होगी, जब तुम्हारी जबान आजाद होगी तो तुम्हारी जबान पर सिवाय कलमे हक के कभी कलमे बातिल नहीं आएगा। जब कलमे हक आएगा तो तुम हक की इत्तबा करोगे, बातिल को छोड़ दोगे। सलावत पढ़े पर मोहम्मद, बस आखिरी दो जुमले। हुसैन, तुमने अली के लिए मैदान करबला में मजमा इकट्ठा करना और भीड़ इकट्ठा करना कोई बड़ी बात नहीं थी, इसलिए हुसैन को बहुत बड़ा लश्कर मीरास में मिल चुका था बाप से और भाई से और नाना से। असहाब भी उस जमाने में बहुत थे जो हयात थे, कम से कम तारीख के एतबार से 17,000-18,000 असहाब वाकई करबला के वक्त जिंदा थे, जो मौजूद थे, कुछ मदीने में थे, कुछ मक्के में थे। लेकिन हुसैन इब्ने अली भीड़ इकट्ठा नहीं करना चाह रहे थे, हुसैन इब्ने अली को भीड़ की जरूरत नहीं थी, या यूं कह दिया जाए कि एक आम इंसान कंकड़ों और पत्थरों का ढेर इकट्ठा नहीं करना चाह रहा था, जौहरी हीरे तराश रहा था। हुसैन अगर चाहते तो 30,000 के मुकाबले में कम से कम 50,000-1,00,000 का मजमा सहराए करबला में जमा कर देते, लेकिन नहीं, हुसैन को सरकारी मजमे की जरूरत नहीं थी, हुसैन को मौलाई असहाब की जरूरत थी। इसलिए कि जो सरकारी मजमा होता है वो सरकार के बदलते ही अपना पैतरा बदल देते हैं, लेकिन जो मौलाई होते हैं वो सरकार बदलती रहे, हुकूमत बदलती रहे। रसूल के जमाने से मौला अली के दौर में, हसन के दौर में, हुसैन के दौर में जो मौलाई थे वो मौलाई रहे, न सलमान दरे रसूल को छोड़ के गए, न अली के अस्तर दरे अमीरुल मोमिनीन को छोड़ के गए।
مطلب مولائی مجمع ضرورت تھی مولائی مجمع کی. سبحان اللہ. لہذا حسین کے اصحاب الفاظ نہیں ہے کہ ان کی تعریف کی جائے. میں نے ایک جملہ کبھی مجلس میں کہا تھا بس ربطِ مسائل کہ ان 72 جو مختصر سے تھے ظاہری اعتبار سے زیادہ جب ہم پڑھتے ہیں تو السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احبا، السلام علیکم یا اسفیاء اللہ دین اللہ، یا انصار دین اللہ، یا انصار رسول اللہ، یا انصار امیر المؤمنین، یا انصار فاطمہ الزہرا، یعنی یہ سب کے انصار ہیں. ان کی حیثیت کیا ہے؟ ان کی حیثیت کو اگر اندازہ لگانا ہے بس ایک جملہ کہوں گا، بس آخری فقرہ ہے یہ. کائنات میں نہ کربلا سے پہلے ان 72 کا کوئی جواب رہا ہے، نہ شاید قیامت تک آ پائے. مولا کا کتنا بڑا احسان اور ہے ہمارے اوپر کہ جو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہمیں معلوم ہے کہ تمہارے اندر کتنا دم پایا جاتا ہے اور کتنا حوصلہ ہے، تم صرف اپنی زبان سے کہہ دو ہمیں منظور ہے، ہم قبول کر لیں گے. یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما. کتنا بڑا احسان ہے یہ. ہم کیا جانے واقعہ کربلا کی عظمت کو، ہم کیا جانے شہدائے کربلا کے اس وقار اور عظمت اور منزلت کو. 1500 سال گزر جانے کے بعد ہم صرف اتنا کہہ دیں، ہمارے مولا کتنے کریم ہیں کہ اس کو قبول کر لے رہے ہیں. ورنہ ایک جملہ کہوں گا میں کہ اگر 72 کو سمجھنا ہے تو بس اسی جملے سے سمجھ لیں کہ ابو تراب کے لال نے جب اپنے مضبوط پنجوں سے کائنات کا جگر نچوڑا ہے تو 72 قطرے گرے ہیں. کہ جو روح کائنات بن گئے، جو روح اسلام بن گئے، جو روح دین بن گئے، جو روح آدمیت و انسانیت بن گئے. یہ قافلہ حسینی جو مدینے سے چلا ہے 18 یا 20 منازل جو بیان کی جاتی ہیں تاریخ میں کہ اتنے منزل درمیان میں ہے، ایک کوئی ایسی منزل نہیں آئی کہ جہاں پر امام نے اپنے اصحاب کو جمع کر کے اور امر بالمعروف نہی عن المنکر نہ فرمایا ہو، اپنے نانا اور اپنے باپ کی سیرت کو بیان نہ کیا ہو، اور وہ نقوش ابھارتے چلے گئے امام کہ جو تاروز قیامت اسی طریقے سے وہ نقش ابھی بھی جاویدہ ہے اور جاویدہ رہے گا. گام بگام یہ قافلہ چلتا جا رہا ہے. 2 محرم بڑی عجیب و غریب تاریخ ہے، ہمارے وقت میں گنجائش نہیں ہے، لیکن دل چاہ رہا ہے کہ صرف ایک چھوٹا سا اشارہ میں کرتا چلوں. صحرائے عرفات میں، میدان عرفات میں امام کی جو دعائیں عرفہ ہیں، اگر اس کے فقرات کے اوپر ہم غور کریں تو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اس چیز کو کہ جس وقت سرکار سید الشہداء نے حمد کرنا شروع کی ہے پروردگار کی اور شکر کرنا شروع کیا ہے، تو آپ نے ابتدا کی شکر اور حمد کرنا شروع کیا، اور اس کے بعد راگی کے بقول کے امام کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، ایسے جیسے مشک کا دانہ کھول دیا ہو کسی نے. اور امام اپنے بدن کے ایک ایک عضو کا نام لے رہے ہیں، خدایا تیری حمد ہے، تیرا شکر ہے، میری آنکھوں کے ذریعے، میری پیشانی کے ذریعے، میرے ہونٹوں کے ذریعے، میرے زبان کے ذریعے، میرے ہاتھوں کے ذریعے، میرے جلد کے ذریعے، میری ہڈیوں کے ذریعے، میری پسلیوں کے ذریعے، میرے اعصاب کے ذریعے، میرے خون کے ذریعے، میرے پلکوں کے ذریعے، میرے دانتوں کے ذریعے. مولا
आप ही अपने बदन के एक एक आजा का नाम क्यों ले रहे? ये राज तो उस वक्त खुला जब चाहने वाली बहन भी मैयत को देख के पहचानने वाली अंता आखी क्या तू ही मेरा भाई? बस अजा डालो। मैदान अरफात से जब इमाम चलने लगे थे तो तारीख कहती है कि इमाम ने एक खुतबा दिया जिसमें आपने चंद फिक्रे कहे थे, जिसमें एक फिक्रा यह था कि इमाम ने कहा कि गोया कि मैं देख रहा हूं अपनी आंखों से कि नवाबीस और करबला के दरमियान के कुत्ते और भेड़िए हमारे बदन के टुकड़े कर रहे हैं। एक फिक्रा ये तो। फिर शब में जो इमाम ने तकरीर की उसमें ये क्या कहा था, मन का नबाजलन फी न मुहजतहु व यतवत्तन अला लिका इल्ला फलयरहल मअना इन्नी राहिलुन मुसबिहुन इंशाअल्लाह। देखो जो मेरी राह में अपना खून जिगर बहा सकता है वही मेरे साथ चले, मैं कल सुबह हरकत कर रहा हूं। मक्के से ये काफिला चलता रहा, कभी जवान बेटे ने पूछा बाबा क्या हम हक पे नहीं है? इमाम ने कहा मेरे लाल हम हक पे नहीं होंगे तो कौन हक पे होगा? ये काफिला चलता रहा दरमियान सफर जनाबे मुस्लिम की खबर शहादत मिली है। इमाम ने कलमा इस्तिरजा जारी किया, यतीम मुस्लिम को आगोश में उठाया, सर पे दर्द शौकत तेरी। चलते 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 वो मकाम भी आया कि जब एक सरजमीन आई और इमाम का चलता हुआ वजरा हुआ और वो सुलझना, चलते चलते उसके कदम ठहर गए। इमाम ने कई बार एड़ लगाई लेकिन घोड़ा आगे न बढ़ा। ए अजादारो आज तो मुहर्रम है, अरे इमाम तुम्हारी सरजमीन करबला हो रहे हैं। वो वादा है कि जहाँ इमाम ने जिसके वो जमीन के जिसके सिलसिले में इमाम ने वादा किया था। अजरकुम अल्लाह। जब सुलझना आगे न बढ़ा तो इमाम ने, बाज रवायतें कहती हैं कि इमाम ने कई सवारियां बदली जो अपने खेत में या मदरसे में काम कर रहे थे, उन लोगों को बुलाया और पूछा मेरे भाई जरा ये बताओ कि इस जमीन का नाम क्या है? किसी ने कहा मारिया कहते हैं, किसी ने कहा शत्ते फुरात कहते हैं, किसी ने कहा साहिले अलकमा कहते हैं, किसी ने कहा करबला कहते हैं। अरे जैसे ही करबला का नाम सुना एक मुश्त खाक उठाई, इस्तिशमाम किया, कलमा इस्तिरजा पढ़ा, आवाज दी हाहुना महतो रिहालना हाहुना मस्फको दिवाहना हाहुना मस्वाहत पालना हाहुना मस्तरो रिजालना। अरे यही वो जमीन है जहाँ हमारे खेमे नस्ब होंगे, यही वो जमीन है जहाँ हमारे बच्चे से भाग कर दिए जाएंगे, यही वो जमीन है जहाँ हमारे जवान कत्ल होंगे। अजरकुम अल्लाह। इमाम घोड़े से नीचे तशरीफ ले आए, अपने भैया अब्बास को हुक्म दिया, मेरे भैया अब्बास मेरी बहन सऊबाद सफर बर्दाश्त करती आ रही है, जितनी जल्दी मुमकिन हो मेरी बहन ज़ैनब का खैमा नस्ब कर दो। जो हजरत करबला जा चुके हैं वो जा चुके हैं, उन्होंने देखा है परवरदगार हम तमाम हजरात को आपको करबला की जल्द ज्यादा नसीब करे, चाहे मुकाम मुखय्यम पे मुकाम पुस्तात पे, तो वहाँ अगर हम जनाब ज़ैनब के खेमे में जाए तो जो वो मंजर है वो ये है की जनाब ज़ैनब का खेमा एक तरफ हुसैन के खेमे से मुत्तसिल है, एक तरफ चौथे इमाम के खेमे से, एक तरफ अब्बास के खेमे से मुत्तसिल है। क्या शाहजादी को कभी किसी तरीके की कोई परेशानी न हो। खेमे नस्ब हुए, जैसे ही खेमे नस्ब हुए इमाम ने फरमाया बाजुओं को थामा, ए मेरी बहन अरे आप बहुत खस्ता है चलिए खेमे में चलिए। अरे जैसे ही ज़ैनब ने अपने खेमे को देखा और एक मर्तबा पर्दा हटा, जैसे ही खेमे में कदम रखा एक आहिर सर्द भरी एक चीख मारी। अरे हुसैन दौड़ के आ गए, बहन को सीने से लगाया, ए मेरी बहन अरे खैम तो है, अरे क्या कयामत आ गई? कहे भैया अरे मैं इस खेमे में न रहूंगी, क्या बात क्या है? कहे भैया अरे जैसे ही मैंने खेमे में कदम रखा है एक आके सर मेरे सर पे आ गई, अरे भैया
अरे इस गोशे से किसी बीबी के रोने की आवाज आ रही है, वाह हुसैन वाह हुसैन, अरे मान गए वहे, अरे तू ले लो पहचाना, ये हमारी दुखियारी माँ फातिमा, जब से हमने मदीना छोड़ा माँ ने लहर छोड़ दिया, ए बहन माँ की आगोश होगी, सिमर का कुंद खंजर होगा, मेरा गला سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها پروردگار ہمارے اس مختصر سے ذکر کو قبول فرما ہمارے والدین اور تمام مؤمنین اور مرحومین گناہوں کو بخش دے جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کی مغفرت فرما ہمیں مولا کا حقیقی عزادار بنا دے ہمیں معرفت کربلا حاصل کرنے کی توفیق مرحمت پروردگار یہ وبا یہ بیماری جو پھیلی ہوئی ہے جلد سے اس کا خاتمہ فرما سارے مؤمنین کو اپنے حفظ و امان میں عزاداروں کی حفاظت فرما عتبات عالیات کی حفاظت فرما پروردگار وارث خون حسین امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ان کے جان ساروں میں شمار ما تمہیں حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین کہتی تھی زینب میرے شعروں کہتی تھی زینب میرے دل رو کہتی تھی زینب اے میرے شعرو کہتی تھی زینب میرے دل رو آنو محمد میرے آنو محمد آنو محمد میرے آنو محمد آنو محمد میرے آنو محمد خواب یہ زینب کا تھا چاند ستارے میرے چاند ستارے چاند ستارے مامو پہ ہوں گے پدا گود کے پالے میرے گود کے پالے گود کے پالے خواب یہ سچا ہوا سر میرا اونچا ہوا ہونے کو شہ پر پیدا لال میرے شیر میرے آنا محمد میرے آنا محمد آنا محمد میرے آنا محمد آنا محمد میرے آنا محمد جعفر تیار کے خون کے عکاس ہو خون کے عکاس خون کے عکاس میں اکبر ہو تم جوش میں عباس ہو جوش میں عباس جوش میں عباس جنگ کے میدان میں موت کے ارمان میں سایہ قرآن میں ایسے اٹھو ایسے بڑھو موت میں تم ٹوٹ پڑو آنا محمد میرے آنا محمد